करें आप अपने डॉक्टर को मिड डे। हेलो फ्रेंड्स, विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन। और सबको पता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई है, सो सेम वे जैसे हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है वैसे ही हमारे डॉग्स को उससे ज़्यादा गर्मी लगती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डॉग्स को समर में कूल कैसे रख सकते हैं, या आप अपने डॉग को समर की हीट से कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डूज एंड डोंट्स जो कि आप अपने डॉग के साथ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको बताऊंगी डोंट्स। अगर आप कभी भी अपने डॉग को गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको गाड़ी में अकेला ना छोड़ें, और स्पेशली इसका ध्यान रखें कि गाड़ी हमेशा किसी पेड़ के नीचे या किसी रूफ़ के नीचे पार्क्ड हो जहाँ पे छाया आती है, छाया जिसको बोलते हैं, छाया आए, और कूल जगह पे आप अपनी गाड़ी पार्क करें। अगर आपको लगता है कि आपके डॉग को गाड़ी में ही रखना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा कुछ काम है तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी छाया के नीचे पार्क करें ताकि आपके डॉग को हीट स्ट्रोक ना हो और वो आराम से बैठ सके गाड़ी में और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पहला पॉइंट था डोंट्स में। सेकंड पॉइंट इज़ प्रोटेक्ट योर डॉग पाउज फ्रॉम हॉट सर्फेसेस। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में ज़मीन काफ़ी गर्म हो जाती है, सो अवॉइड करें अपने डॉग को किसी भी गर्म जगह पे पैर रखने से, क्योंकि जैसे हमारे पैर जल सकते हैं सेम वे आपके डॉग के पैर भी जल सकते हैं। डोंट प्लान योर वॉक इन द मिड ऑफ द डे। आप अपने डॉग को दिन के टाइम स्पेशली मत लेके जाए वॉक के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सन काफ़ी ज़्यादा हीट पे होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सो अवॉइड करें आप अपने डॉग को मिड डे वॉक के लिए। तो ये थे डोंट्स। लेट्स कम ओवर द डूज, क्या क्या आप कर सकते हैं अपने डॉग को समर हीट से प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज एनकरेज देम टू स्टे इन शेड्स एरिया एंड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। आप अपने डॉग को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, और कोशिश करें कि उनका बेडिंग या उनको जहाँ भी आप रखते हैं वो शेड एरिया हो, ढका हुआ हो, जहाँ पे छाया आ रही हो वहाँ पे आप रखें अपने डॉग्स को। सेकंड पॉइंट इज पुट डाउन डैम्प टॉवल्स फॉर देम टू लाई ऑन। जैसे कि आप सबको पता है डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप एक टॉवल ले लें जो कि आप यूज़ नहीं करते हो, आपने अपने पैट के लिए बनाया हो, उस टॉवल को या कपड़े को आप हल्का सा गीला करके उसको ज़मीन में बिछा दें, और कोशिश करें कि आपका डॉग उस टॉवल के ऊपर लेट जाए। ऐसा करने से इनको गर्मी भी कम लगेगी, प्लस इनको ठंडक मिलेगी नेचुरली। और जैसे कि डॉग्स को एसी की आदत पड़ जाती है, इससे थोड़ा सा कम उनको एसी की आदत रहेगी। नो डाउट एसी की आदत पड़ती है डॉग्स को, मफिन को भी है इनफैक्ट, बट ऐसे थोड़ा सा वो अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, कि बाई चांस अगर किसी जगह हम ऐसे जाते हैं जहाँ पे एसी ना हो। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे आपका डॉग रिलीफ महसूस करेगा। थर्ड पॉइंट इज़ फिल अ हॉट वाटर बॉटल विथ कोल्ड वाटर। हॉट वाटर बॉटल जो होती है उसको आप कोल्ड वाटर से फिल कर लें और अपने डॉग के पास रख दें, ऐसे उनको ठंडक मिलेगी और गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी उन्हें। मैं मफिन को वॉक से लेके आती हूँ तो इसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग जाती है, तो मैं वो बॉटल रेडी करके रखती हूँ पहले से ही, ताकि वो आके उसके ऊपर बैठ जाए या उसके ऊपर लेट जाए तो उसको ऐसे रिलीफ मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट इज पुट द गार्डन स्प्रिंकल ऑन। अगर आपके वहाँ गार्डन है और वो स्प्रिंकलर आपके वहाँ लगा हुआ है तो वो आप ऑन कर सकते हैं, और वैसे भी डॉग्स को पानी के साथ खेलने में बहुत मज़े आते हैं, सो दिस इज़ अ गुड वे कि वो हल्के गीले भी हो जाएंगे प्लस उनका प्लेइंग टाइम भी हो जाएगा ऐसे। फिफ्थ पॉइंट इज़ कीप अ पैडलिंग पूल इन द शेड फॉर देम टू स्प्लैश अबाउट इन। इसका
मतलब ये है कि अगर आपके वहाँ बैकयार्ड है या फ्रंट यार्ड है सो आप उसमें पूल रख सकते हैं जो एयर से फिल किया जाता है, मिल जाते हैं मार्केट में इजीली, सो आप उनको रख सकते हैं अपने डॉग के लिए। और कोशिश करें उस पूल को भी आप किसी शेडी एरिया में रखें जहाँ छाए हो, ताकि अगर आपका डॉग खेल रहा हो आपके यार्ड्स में सो वो उसमें स्प्लैश कर सके, कूद सके, खेल सके, ऐसे उनको हीट स्ट्रोक भी नहीं होगा, प्लस समर्स उनके लिए हमेशा कूल कूल रहेंगे। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो और कोशिश करें कि आप ये सारी चीज़ें अपने डॉग के साथ करें ताकि उनको गर्मी से आप प्रिवेंट कर सकें, उनको गर्मी में कूल रख सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So now we will see you in the next video and we are now signing off.